बृहन्मयी महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में आप सभी का स्वागत है। चिंचवली इंग्लिश मुंबई पब्लिक स्कूल से मैं संगीता राठौर आज आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी सब्जेक्ट ले रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमें भाषा अध्ययन में ग्रामर के विभाग में आता है। पहले उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कितने अंक के लिए भाषा अध्ययन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। विभाग चार में भाषा अध्ययन का प्रश्न होता है, उसको 14 अंक होते हैं। उसके ऊपर होते हैं, पहला जो होता है शब्द भेद, उसको 1 अंक होता है। शब्द भेद भेद पहचानो, शब्द के भेद पहचानो, ऐसे प्रश्न होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है अव्यय के, अव्यय के ऊपर उसको भी 1 अंक होता है। उसके बाद तीसरा होता है संधि, संधि पहचानो, संधि का भेद पहचानो, ऐसे प्रश्न होते हैं, उसको 1 अंक होता है। 1 मार्क के लिए उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद चौथा होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पहचानो, ऐसा 1 अंक के लिए प्रश्न होता है भाषा अध्ययन में ग्रामर में विभाग चार में। उसके बाद पांचवा प्रश्न होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जो प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं वो पहचानना होता है, लिखना होता है प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने होते हैं उसके, तो 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद होता है मुहावरे, उसको भी 1 अंक होता है एग्जाम में। उसके बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह उसके लिए 1 अंक होता है। विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखो, ऐसा भी प्रश्न होता है, उसको भी 1 अंक होता है। उसके बाद होता है काल परिवर्तन, काल पहचानो या काल परिवर्तन करो, उसके लिए 2 अंक होते हैं। और वाक्य के भेद, उसके लिए भी 2 अंक होते हैं। और वाक्य शुद्ध करना, इसके लिए 2 अंक होते हैं। टोटल 14 अंक के लिए हमें भाषा अध्ययन के ऊपर प्रश्न होते हैं विभाग चार में। कृति पत्रिका का जो विभाग चार होता है वो ग्रामर के ऊपर होता है, उसको टोटल 14 अंक होते हैं, 14 मार्क्स का वो ग्रामर का पोर्शन होता है। तो उसमें हमने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया, उसको हमारी कृति पत्रिका में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आज हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, अर्थात किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी उसके प्रेरणार्थक उसके नाम में ही आ गया है कि प्रेरणा देना, किसी दूसरे को प्रेरणा देना या अपनी प्रेरणा से कार्य करना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसका कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, जो भी कर्ता होता है क्रिया में वो दूसरा प्रेरणा देता है, तो उसकी उसकी प्रेरणा से कार्य करता है या कार्य करवाता है, किसी दूसरे से कार्य करता है, खुद कार्य ना करता, किसी दूसरे से कार्य करके लेता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अभी प्रेरणार्थक क्रिया से अलग संज्ञा है मूल धातु का वह विकृत रूप जिससे क्रिया के व्यापार में कर्ता, कर्ता में प्रेरित करता, जो प्रेरणा दे रहा है वो, पर किसी प्रेरक कर्ता की प्रेरणा का, प्रेरक कर्ता में जो काम करने वाला है अब बोध हो तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसकी रचना सकर्मक और अकर्मक दोनों में होती है, लेकिन जब क्रिया कंप्लीट होती है, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के पश्चात वो सकर्मक ही रहती है, उसमें कर्म होता है, सकर्मक और अकर्मक। तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है उसके बाद जो भी क्रिया होती है वो सकर्मक ही क्रिया होती है। अभी प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देते हैं
उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी उदाहरण है, मालिक नौकर से खाना बनवाता है। ये उदाहरण में देखो, मालिक ने खुद काम नहीं किया है, उसने खुद खाना नहीं बनवाया है, किसको प्रेरणा दी है? नौकर को खाना बनवाने की प्रेरणा दी है। तो खाना कौन बना रहा है? नौकर बना रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। खुद कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभी दूसरे में देखो, पिताजी ने पत्र पढ़ा। ये क्या है? पढ़ा एक मूल क्रिया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा और पिताजी ने दीदी से पत्र पढ़ाया। अभी पहली जो मूल क्रिया है वो क्रिया स्वयं उन्होंने की है, पिताजी ने पत्र पढ़ा, मीन्स उन्होंने स्वयं क्रिया की है। दूसरा क्या है? पिताजी ने दीदी से पत्र पढ़ाया, उन्होंने खुद क्रिया न करके, पत्र न पढ़कर दीदी को प्रेरणा दी पत्र पढ़ने के लिए, तो क्या हो गई? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और उदाहरण तीन, पिताजी ने दीदी से कहकर नौकर से पत्र पढ़वाया। अभी देखो, दूसरे उदाहरण में क्या था? दीदी से पत्र पढ़ाया। अभी तीसरे उदाहरण में क्या है? पिताजी ने दीदी को कहकर नौकर से पत्र पढ़वाया। तो ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। देखो, खुद स्वयं क्रिया की वो मूल क्रिया हो गई, दूसरों को प्रेरणा की प्रथम प्रेरणा, तो दूसरे को प्रेरणा देकर तीसरे को प्रेरित किया, तो ये क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं काम न कर दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, तो उसे बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। अभी और उदाहरण देखते हैं हम। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने को प्रेरित करता है, अभी स्वयं न करके, हमने डेफिनेशन देखी है कि प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणा देता है वो दूसरे को, स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। जैसे उदाहरण है, और माताजी नौकर से सामान उठवाती है। अभी माताजी ने खुद सामान उठाया नहीं, उन्होंने प्रेरणा दी, दूसरे से काम किया। किससे काम किया? नौकर से। तो नौकर को कार्य के लिए प्रेरित किया। जैसे अलग, मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है। ये इसमें क्या हो गया? धुलवाता है, मीन्स मोहन ने खुद काम नहीं किया है, उसने अपनी बहन से काम करके लिया है। तो क्या है? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, वो दूसरों से काम करके लेता है, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा उदाहरण है, सोहम नौकर से कपड़े धुलवाता है। अभी सोहम ने खुद क्रिया नहीं की है, खुद कार्य नहीं किया है, उसने नौकर से कार्य करके लिया है। आदित्य पापा से पत्र लिखवाता है। अभी आदित्य ने खुद पत्र नहीं लिखा है, उसने अपने पापा से पत्र लिखवाया है। तो ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अभी इस वाक्य में कर्ता खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से करवाता है या दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। अभी देखो, दोनों वाक्य में हमने देखा, नौकर से कपड़े धुलवाता है, आदित्य पापा से पत्र लिखवाता है। इसमें स्वयं कार्य नहीं किया, दूसरों से काम करके लिया है या काम करने की प्रेरणा दी है। जिस क्रिया से यह जाना जाता है कि कर्ता काम स्वयं न करती, किसी दूसरे से करता है, अर्थात किसी दूसरे को उसे करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्रिया हो, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो दूसरे से करके लेता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया ही होती है। अभी प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आपको कृति पत्रिका में प्रश्न होता है, मूल क्रिया दी रहती है, मूल धातु, और उसके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने होते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वही है जो
जिसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। अभी उसकी डेफिनेशन है, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। क्या है डेफिनेशन उसकी? स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम प्रेरणात्मक। उदाहरण है, विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। अभी इसमें स्वयं रमेश विनोद को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है तो ये क्या हो गई? प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। इसमें क्या है? विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है तो ये विनोद स्वयं कार्य कर रहा है तो ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी बोलते हैं। अभी उदाहरण देखते हैं, माँ बच्चे को अनार खिलाती है। अभी कर्ता कौन है? माँ, और स्वयं कार्य कर रही है, बच्चे को स्वयं अनार खिला रही है तो ये क्या हो गई? प्रथम प्रेरणार्थक। स्वयं कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक। इस क्रिया के साथ आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अभी देखो, प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होते हैं वो पहचानने में इजी होते हैं। जैसे खिलाती है तो उसको खिलाती, खिलाना, आना, ला को आ, ला हो गया, लाना, खिलाना, तो ये क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जो रूप होते हैं उसको आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, क्या हो गया? उसको पढ़ को आना प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? पढ़ाना। चल प्लस आना क्या हो गया? चलाना। कट प्लस आना कटाना, तो ये क्या हो गया? जब भी हमें प्रश्न आता है कृति पत्रिका में, प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखो या पहचान। अभी प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखेंगे तो क्या करना है? जो भी शब्द दिया होता है तो उसको, जैसे पढ़ना तो उसको क्या? आना प्रत्यय लगाना है तो क्या होगा? पढ़ाना। जैसे चलना, चलना को क्या प्रत्यय लगाना है? आना, तो क्या हो गया? चलाना। कटना, कटना को क्या आना लगाए तो क्या हो गया? आ हो गया तो कटाना, ये हो गया। अभी उसके और एग्जाम्पल देखते हैं, मास्टर जी अनिल से पत्र लिखाते हैं। अभी ये कैसे आएगा? देखो, ये मूल क्रिया दी है, मास्टर जी अनिल से पत्र लिखाते हैं। अभी लेकिन ये क्रिया में मास्टर जी ने स्वयं कार्य किया है क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया? अनिल को प्रेरणा दी है कार्य करने की, अनिल को प्रेरणा दी है कि तुम पत्र लिखो, तो मास्टर जी अनिल से पत्र लिखाते हैं। तो लिखाते का क्या आएगा? प्रेरणार्थक रूप लिखाना। माँ राधा से पुस्तक पढ़ाती है। अभी माँ स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रही है तो राधा से पढ़ाती है, राधा को कार्य करने की प्रेरणा दी है, राधा से काम करके लेती है। अभी राधिका लक्ष्मी से मेहंदी लगाती है। देखो, पढ़ाती है तो क्या आएगा? पढ़ाना। राधिका लक्ष्मी से मेहंदी लगाती है, लगाती है को लगाना। अभी दूसरा रूप है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम रूप कौन सा था? प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है, दो भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करता है और उसको आना प्रत्यय लगता है। अभी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है? इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, उसकी प्रेरणा से कोई दूसरा काम करता है। अभी वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, वो दूसरे को ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखो, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया के शब्द के अंत में वाना यह प्रत्यय जोड़कर उसका द्वितीय रूप बनाया जाता है। अभी प्रथम प्रेरणार्थक रूप में हमने देखा कि क्या, कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आना प्रत्यय लगाते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? वाना प्रत्यय लगाते हैं। अभी देखो, मूल क्रिया कौन सी है? मिलना। उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा आएगा? मिलाना। अभी ध्यान में रखो, अभी ये कितने शब्द हो गए? उसमें मिलाना तीन हो गए, ओके। और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा हो गया? मिलवाना, तो कितने हो गए? चार हो गए।
मिलवाना, कितने अक्षर हो गए? चार। प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होता है उसमें तीन अक्षर होते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक में चार अक्षर होते हैं। अभी मिलना ये मूल क्रिया थी, तो न मिलना, ना का जो काना होता है वो कहाँ आया? लाखों काना आ गया, मीन्स क्या हो गया? आना हो गया, मिलाना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हो गया? आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या हो गया? मिलवाना। अभी दूसरे, उसे अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक को अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक भी कहते हैं। अभी दूसरा उदाहरण है, नौकर माली से पत्र लिखवाता है। अभी नौकर माली से पत्र लिखवाता है, ये क्रिया नौकर खुद नहीं कर रहा है, माली को स्वयं न करके माली को प्रेरणा दे रहा है, माली से काम करके ले रहा है, तो ये क्या हो गया? माली से पत्र लिखवाता है। लिखवाता, लिखवाना, ये क्या हो गया? लिखवाना। ओके, महेश नाई से बाल कटवाता है। अभी महेश ने खुद ये कार्य नहीं किया है, खुद ये क्रिया नहीं किया है, किसको प्रेरित किया है? नाई को। और किसकी प्रेरणा से नाई ने बाल कटवाए हैं? महेश की प्रेरणा से, तो ये क्या हो गए? द्वितीय प्रेरणार्थक। कटवाता, कितने अक्षर हो गए? चार, तो क्या हुआ? कटवाना। इसमें धातु शब्द के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के शब्दों का निर्माण किया जाता है। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक को आना प्रत्यय लगाते हैं तभी प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाते हैं, क्रिया बन जाती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है? जो धातु होता है, जो शब्द होता है, उसको अंत में वाना प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है, तो उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं, चल प्लस वाना, तो क्या हो गया? चलवाना। और उसका प्रथम प्रेरणार्थक कैसे होगा फिर? अभी द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हो गया? वाना प्रत्यय लगाया। अभी चल का हमें प्रथम प्रेरणार्थक करना होगा, तो क्या होगा? चल प्लस आना, चलाना। और द्वितीय क्या हो जाएगा? चलवाना। अभी कट प्लस वाना, क्या हो गया? कटवाना। ये द्वितीय प्रेरणार्थक, वाना प्रत्यय लगाया है तो क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। लिख प्लस प्लस वाना, लिखवाना। इसमें चार अक्षर आते हैं, जनरली वाना प्रत्यय लगाया जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में। और प्रथम, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होता है उसको आना प्रत्यय लगाया जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है उसको वाना प्रत्यय लगाया जाता है। इजी होता है, आप इजीली मार्क्स पा सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। स्वरांत धातुओं की प्रथम मात्रा का परिवर्तन करके और फिर लाना प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक तथा लवाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। अभी उदाहरण अलग है, यहाँ था है तो वहां पहले हमने क्या देखा? आना प्रत्यय लगाया था। अभी यहाँ क्या है? लाना प्रत्यय लगाना है। पहले वाना प्रत्यय लगाया था, अब यहाँ लवाना, मीन्स वाना प्रत्यय ही आएगा। देखो, पहला धातु कौन सा दिया है? खा, उसको क्या है? लाना प्रत्यय, खिलाना, मीन्स आना प्रत्यय लगाया है, खिलाना। और तीसरा क्या है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप? खिलवाना। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिया है दौड़ना, उसका प्रेरणार्थक रूप आएगा दौड़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आएगा दौड़वाना। अभी दूसरा एग्जाम्पल है गिरना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या आएगा? गिराना, आना प्रत्यय लगाना है। और द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना। अभी इसमें तीन अक्षर होते हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में चार अक्षर होते हैं। अभी हमने देखा कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, लेकिन उसके भी कुछ नियम है, उसको परिवर्तन करते हैं। सिर्फ आना प्रत्यय लगाया और वाना प्रत्यय लगाया तो कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, उसके भी कुछ रूल होते हैं, तो हम अभी वो देखते हैं, क्रिया को परिवर्तन करने के कुछ नियम। देखो, पहला रूल है, पहला नियम है, प्रथम
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय आना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय वाना प्रत्यय लगाते हैं। जब प्रथम हमने पहले से ही देखा है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं तो आना प्रत्यय आता है और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं तो वाना प्रत्यय आते हैं। अभी मूल क्रिया दी है उठना, तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक आना लगा के कैसे होगा? उठाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे होगा? उठवाना। अभी दूसरी क्रिया दी है चलना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे आएगा? चलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। ये क्या हो गया? पहला नियम हो गया। पहला नियम है आना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप को आना प्रत्यय लगाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप को वाना प्रत्यय लगाना है। अभी देखो दूसरा नियम है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर आकारांत हो तो वह अकारांत बन जाता है, आ का अ हो जाता है। अभी प्रथम अक्षर एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण देखते हैं मूल क्रिया। मूल क्रिया का क्या है? काटना। तो क्या है प्रथम अक्षर? का। का प्रत्यय क्या है? का प्रथम अक्षर क्या है? आकारांत है, तो का क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा, तो क्या होगा? क अ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, काटना। काटना क्या है? प्रथम अक्षर का है, तो उसका क्या हो जाएगा? कटाना। आना प्रत्यय लगाता है, लगाते हैं, लेकिन काटाना नहीं बनता है, काटना का कटाना होता है, कटवाना होता है। रूल क्या दिया है? नियम आ का अ, प्रथम अक्षर का जो अकारांत में है वो आकारांत में जो है वो अकारांत में होना चाहिए। तो काटना, कटाना, कटवाना, काटना, काटाना, काटवाना, ऐसे गलत होता है, आ का अकारांत में हो गया। दूसरा उदाहरण है जागना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक जगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक जगवाना। अभी तीसरा उदाहरण है भागना, भगाना, भगवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ये क्या हो गया? आकारांत का जो पहला अक्षर है उसका अकारांत में चेंज होता है। अभी तीसरा रूल है, तीसरा नियम है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर ई कारांत, दीर्घ ई कारांत हो तो वह ई कारांत बन जाता है। अभी पहला अक्षर दीर्घ होता है तो वह ह्रस्व बन जाता है। कैसे? मूल क्रिया क्या है? पीटना। यह जो पी ई जो है वो दीर्घ है, तो उसकी क्रिया बनती है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है, तो क्या होगा? ह्रस्व होगा, पिटाना, पिटवाना। अभी दूसरा उदाहरण है भीगना। भीगना का क्या होगा? ये दीर्घ है तो उसका ह्रस्व ई होगा, भिगाना, भिगवाना। लिखना का दीर्घ है तो ह्रस्व ई का ई होगा, लिखाना, लिखवाना। पीना दीर्घ ई है तो उसका क्या होगा? पिलाना, पिलवाना। ये क्या है? ये कारण जो होता है पहला अक्षर दीर्घ होता है उसको ह्रस्व बनाते हैं। अभी चौथा नियम है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर वो कारांत हो तो वह वो कारांत बन जाता है। पहला अक्षर जो है प्रथम अक्षर वो दीर्घ है तो वो क्या बन जाता है? ह्रस्व उ बन जाता है। अभी उदाहरण देखते हैं, डूबना। अभी डूबना का जो डू है वो क्या है? दीर्घ है, तो उसको कैसे होगा? ह्रस्व होगा, डुबाना, डुबवाना। आना और वाना प्रत्यय हर एक क्रिया में आता है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आना प्रत्यय आता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय आता है। अभी लूटना, लूटना का लू जो है वो दीर्घ है तो कैसे आएगा? ह्रस्व आएगा, लुटाना, उसके बाद लुटवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। भूलना, भुलाना, भूलवाना। क्या हो गया? वो प्रथम अक्षर वो था, वो दीर्घ था तो वो ह्रस्व बन गया। अभी पांचवा नियम है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर ए कारांत हो तो वह ई कारांत बन जाता है। अभी पहला अक्षर ए होता है तो वो ई बन जाता है। जैसे एग्जांपल है भेजना, क्या है? ए है, तो उसका क्या हो गया? भिजाना, भिजवाना।
उसका नेक्स्ट लेटना, ए में है तो उसका ई, लिटाना लिटवाना, देखना ए है तो वो क्या हो गया, ई कारंत में हो गया, दिखाना दिखवाना, देना दिलाना दिलवाना, क्या है प्रथम अक्षर जो ए कारंत होता है, जैसे भेजना बेल, देखना देना, तो कैसे आता है ई कारंत में, कैसे भिजाना भिजवाना, दिखाना दिखवाना, दिलाना दिलवाना। अभी छठा नियम है, यदि क्रिया का प्रथम अक्षर ओ कारंत हो तो वह वु कारंत बन जाता है। अभी देखो प्रथम अक्षर कौन सा है ओ कारंत में, तो उसका वु कारंत बन जाता है। उदाहरण दिया है जैसे बोलना, बोलना का कैसे वु कारंत बन जाता है, मीन्स बुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आएगा बुलवाना। दूसरा जोड़ना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक जुड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक जुड़वाना, ओ का वो हो गया। खोदना खुदाना खुदवाना, रोना रुलाना रुलवाना, ये क्या हो गए ओ का, जैसे खोदना रोना, रोना का वो कारण था तो वो हो गया, रो का रू हो गया, रुलाना रुलवाना, ये हो गए प्रेरणार्थक बनाने के टाइम वो रूल याद रखने हैं। जैसे पहला रूल देखा आना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रत्यय होता है वाना, द्वितीय प्रेरणार्थक आ का ह, जैसे आ का क्या है काटना, तो आ का अ बन जाता है प्रथम अक्षर, तो कटाना कटवाना, पढ़ना पढ़ाना, ओके पढ़वाना। अभी ई दीर्घ होता है तो उसका क्या बन जाता है, ह्रस्व बन जाता है, जैसे पिटना तो उसका ह्रस्व क्या हो गया, पिटवाना पिटाना पिटवाना, भीगना भिगाना भिगवाना। अभी वो जो है वो दीर्घ है तो उसका क्या बन जाता है, ह्रस्व, कैसे डूबना ये दीर्घ है, डुबाना डुबवाना, लूटना लुटवाना लुटाना। अभी एक हाँ ये बन जाता है, जैसे देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, और लास्ट का है वो का वो बन जाता है, जैसे रोना रुलाना रुलवाना, बोलना बुलाना बुलवाना। ओके ये हो गए प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के रूल। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी है, कुछ क्रिया कि उनके प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे खेना खोना, गाना ढोना, पीटना भेजना लेना, उनके प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। कुछ क्रियाओं के कोई भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे आना गरजना चाहना जचना जानना जाना पाना पछताना पुकारना मिलना रुचना सोचना होना, उनके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक ऐसे रूप नहीं बनते हैं, ये उसके एग्जाम्पल है, ये अपवाद है। जैसे आना, आना को क्या बोलेंगे, कुछ अलग रूप बना ही नहीं सकते, गरजा गरजना गरजाना ऐसे नहीं बोल सकते, चाहना चाहना जचना जाचना ऐसे नहीं बोल सकते, ये अपवाद है, उनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। ओके अभी उदाहरण दिए है, देखो क्या है, अभी देखो ये जो उदाहरण दिए है तो उसमें सभी जो हमने देखे सिक्स जो नियम थे वो सबके एग्जाम्पल है। देखो जितना, जितना का क्या आएगा, जितना जिताना जितवाना, हारना का हराना हरवाना, सुनना का सुनाना सुनवाना, सजना सजाना सजवाना, घूमना घुमाना घुमवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, मानना मनाना मनवाना, दिखना दिखाना दिखवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, जागना जगाना जगवाना, ये क्या है प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप थे। अभी जो मूल क्रिया रहती है उसमें प्रथम प्रेरणार्थक जो रहता है उसको आना प्रत्यय लगाते हैं,
और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है उसको वाना प्रत्यय लगाते हैं। और उदाहरण देखते हैं हम, देखो मूल धातु दिया है उठ, उठना। मूल धातु क्या है? उठना, गिरना, फैलना, सुनना, छिपना, लिखना, उड़ना एंड दौड़ना। अभी उसके प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे बनते हैं देखो, एंड द्वितीय प्रेरणार्थक भी कैसे बनते हैं वो देखो। उठना का क्या हो गया? उठाना हो गया। और द्वितीय इसको क्या? उठाना, तो आना प्रत्यय लगाया। और उठना का उठवाना, उठवाना मीन्स दूसरों को प्रेरित किया उठवाने के लिए, और उसने उठाया। ओके, गिरना का गिराना, गिरवाना, गिराया, तो क्या होगा? ये गिर गया, गिराया, उसने उसके हाथ से गिरवाया ऐसे। फैलाना, फैलना का फैलाना, फैलवाना। अभी सुनना का सुनाना, सुनवाना। छिपना का छिपाना, छिपवाना। लिखना का लिखाना, लिखवाना। उड़ना उड़ाना, उड़वाना। दौड़ना दौड़ाना, दौड़वाना। देखो हर एक उदाहरण में आना और वाना प्रत्यय लगाया है। सीधा है, जब भी एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न आता है तो क्या करना है, जो मूल रूप है वो पहचान के उसको प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आना प्रत्यय लगाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगाना है। इजी आप एक मार्क पा सकते हैं, इजी होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। अभी चलना, चलना का क्या होगा? चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक को वाना प्रत्यय लगा के चलवाना। चमकना का चमकाना, चमकवाना। अभी देखो इसने, मैंने बताया था कि आपको चार अक्षर आते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो गया? पांच भाग आए। चमकवाना, मचाना, मचना, मचाना, मचवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। कहना, कहाना, कहवाना। डरना, डराना, डरवाना। खुद डराना, दूसरों से डरवाना। पढ़ना, खुद पढ़ाना, दूसरों से पढ़वाना। लगाना, लगवाना। इस प्रथम प्रेरणार्थक खुद क्रिया करता है, खुद से क्रिया करके लेता है, और दूसरा दूसरों को प्रेरित करता है। अभी प्रश्न है, निम्नलिखित मूल क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ऐसा आपको एग्जाम में प्रश्न आता है। देखो अभी मूल क्रिया है लिखना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा लिखना, लिखाना, लिखवाना। पीना का पिलाना, पिलवाना। अभी देखो यह जो पीना है, तो देखो पीना का पिनाना आ गया क्या? नहीं, ऐसे भी शब्द होते हैं, ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं। अभी पीना, पिनाना, पिनवाना ऐसे नहीं लिख सकते। पीना का क्या हो गया? पिलाना हो गया। और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या हो गया? पिलवाना हो गया। ये क्या है? अपवाद है। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। भागना, भगाना, भगवाना। जागना, जगाना, जगवाना। ये क्या हो गए? मूल क्रिया दी है, मूल धातु दिया है, उसके प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं। एग्जाम में हमें ऐसे ही प्रश्न आता है, मूल क्रिया दी रहती है और उसके प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। नहीं तो प्रश्न दिया जाता है कोई भी एक सेंटेंस, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, ऐसे उदाहरण दिया जाता है, उसमें से क्रिया पहचान के उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना होता है। ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में आते हैं। अभी प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अभी हमने उदाहरण के जो प्रश्न है उसके आंसर भी लिख के रखे हैं। अभी रीजना का क्या है? एक क्रिया है रीजना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है रिझाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है रिझवाना। अभी लेटना का देखो, लेटना का क्या हो गया?
एका ही प्रत्यय हो गया। देखो रूल नंबर फाइव था हमारा, पांचवा रूल नंबर का पांचवा या छठवा, ले ए प्रत्यय का ये हो जाता है, लेटना लिटाना लिटवाना, उतरना उतराना उतरवाना। अभी देखो मैंने बताया था कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप पे तीन अक्षर होते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक के चार, लेकिन ये ऑप्शन है देखो अपवाद है, उसमें क्या है उतराना चार शब्द है, चार अक्षर है और उतरवाना पांच अक्षर है। देखो फंसना फंसाना फंसवाना। अभी रोना, देखो हमने पहला भी एक शब्द देखा था, पीना पिलाना पिलवाना, सेम उसी तरह है, रोना रुलाना रुलवाना, जीना जिलाना जिलवाना। देखो जो ना है, न आया है सेकंड अक्षर तो उसको ल बनाया है, पीना पिलाना पिलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, जीना जिलाना जिलवाना, क्या है ये अलग सेंटेंस अलग शब्द है, जरा ध्यान दो उसके ऊपर, जलना जलाना जलवाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, भूलना भुलाना भुलवाना, काटना कटाना कटवाना, बांधना बंधाना बंधवाना, और देखो अलग है सीना सिलाना और सिलवाना। पहले देखा पीना रोना जीना और चौथा है सीना, सीना का क्या हो गया ल हो गया, न के जगह ल बन गया, सीना का सिलाना सिलवाना। ओके अभी प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है कि प्रथम प्रेरणार्थक अभी कितने हैं, दौड़ना बोलना रोना मिलना पीना। अभी दौड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या आएगा, प्रथम होगा दौड़ाना, आना प्रत्यय लगाए है और दौड़वाना वो आना प्रत्यय लगा है। बोलना का ओ का क्या होता है, रूल नियम पढ़े हमने, ओ का वो बन जाता है, तो बोलना का बुलाना बुलवाना। रोना अभी देखा न का ल बन जाता है, रोना रुलाना रुलवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, पीना पिलाना पिलवाना। अभी दूसरा दिया है सहना गिरना चढ़ना पढ़ना उड़ना देना। अभी देखो सहना का है सहाना सहवाना, अभी गिरना गिराना गिरवाना, चढ़ना प्रथम प्रेरणार्थक आएगा चढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आएगा चढ़वाना, पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, उड़ना का उड़ाना द्वितीय प्रेरणार्थक उड़वाना। अभी देखो ये अलग है, देखो देना देना का क्या हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक रूप, दिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा, दिलवाना। न है तो उसका क्या हो गया ल बन गया। उसके आगे है ये आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। अभी सुनना का सुनना बनना झुकना दिखना लिखना। अभी सुनना का प्रथम और द्वितीय क्या आएगा, सुनाना, आना प्रत्यय लगाया है सुनवाना, वाना प्रत्यय लगा है। बनना का बनाना, आना प्रत्यय है बनवाना, वाना प्रत्यय है। झुकना झुकाना झुकवाना, दिखना दिखलाना दिखवाना। अभी देखो दिखना दिखाना नहीं है, देखो क्या है दिखलाना और दिखवाना। अभी ये देखा था हमने रूल में नियम में देखा था, दिखलाना लाना और वाना कंफ्यूज नहीं होना है, दिखलाना आप द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में भी लिख सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा, उसको लाना प्रत्यय लगाया है और यहाँ वाना प्रत्यय है। दिखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा दिखलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा दिखवाना।
लिखना का, लिखाना लिखवाना, ओके। आगे मानना, जीना, खेलना, सीखना, खाना, ये भी हो गए आपको उसके प्रथम प्रेरणार्थ और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं। जैसे मानना का मनाना मनवाना, जीना का जिलाना, ये पहले भी हुआ है, रिपीट हो रहा है। फैलना का फैलाना, सीखना का सिखाना सिखवाना, खाना का खिलाना खिलवाना, ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। छोड़ना का छुड़ाना छुड़वाना, डूबना का डुबाना डुबवाना, सूखना, अब ये सूखना है तो उसका ये दीर्घ है सूख, तो उसका ह्रस्व हो जाएगा, सुखाना सुखवाना, खौलना खौलाना खौलवाना, जागना जगाना जगवाना, ऐसे फिर आगे दिया है पढ़ना पढ़ाना, जीतना जिताना, करना कराना, देना दिलाना, सोना सुलाना सुलवाना। देना और सोना का देखो, न का क्या बन गया, ल बन गया है, देना दिलाना दिलवाना, और सोना सुलाना सुलवाना, ओके। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं। देखो, भीगना का काटना का, पीसना हंसना, चलना चमकना नाचना, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। वो क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी भीगना का भिगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक भिगवाना आएगा। काटना का कटाना कटवाना, पीसना पिसाना पिसवाना, हंसना हंसाना हंसवाना, चलना चलाना चलवाना, चमकना चमकाना चमकवाना, नाचना नचाना नचवाना, ऐसे आएगा। अभी दूसरा प्रश्न है, एग्जाम में ठीक इसी तरह प्रश्न आता है आपको कृति पत्रिका में। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखे, ऐसे एक मार्क का प्रश्न आता है। क्रिया दी रहती है पीना और देना, आपको उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों रूप लिखने होते, ऐसे ही बॉक्स बनाकर लिखने होते, पीना पिलाना पिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, ओके। बच्चों कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है, किसी को कुछ डाउट? आज हमने प्रेरणार्थक क्रिया देखी, उसमें क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके दो भेद है, दो रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है, आना प्रत्यय लगाता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में क्वाना प्रत्यय लगाते हैं, और वो बनाने के लिए कुछ रूल बनाए हैं, वो हमने छह रूल है वो भी देखे, और उसके ऊपर एग्जांपल भी देखे। अभी जो नियम थे, आना को आना और वाना बनाते हैं, दूसरा रूल था आ जो पहला अक्षर होता है, पहला शब्द उसका अ बन जाता है, जैसे काटना कटाना। तीसरा रूल था ई, दीर्घ होता है तो ह्रस्व बन जाता है, जैसे पीटना का पिटाना। वो चौथा रूल था, पहला अक्षर मु से स्टार्ट होता है और उसका पहला अक्षर वो बन जाता है, दीर्घ का ह्रस्व बन जाता है, जैसे डूबना डुबाना। ए का ई बन जाता है और ओ का वो बन जाता है, ऐसे वो रूल है, उसके नियम है। तो जैसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते टाइम और द्वितीय क्रिया प्रेरणार्थक रूप बनाते टाइम रूल भी ध्यान में रखने हैं, ओके। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है मैम, हेलो मैम,
हेलो मैम, लेक्चर हो गया? Yes, ma'am, mind the lecture. Yes, ma'am.